नया जोश और नया जुनून के साथ त्रिकोणमिति पर फिर से करेंगे एक बार वार, क्योंकि नंबर लाना है बेहतर इस बार। स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस धमाकेदार क्लास में, थीटा बैच में। इसमें हम लोग फिर से देखेंगे कि क्लास टेंथ में जो त्रिकोणमिति है यानी ट्रायगोनोमेट्रिक है, इसमें आखिरकार क्वेश्चन कैसे पता चले कि कौन से फॉर्मूला को कब इस्तेमाल करना है। यहां पे हम लोग फॉर्मूला का रिलेशन जोड़ने सीखेंगे, यानी कि नाता रिश्ता, आप लोग रिश्तेदारी पढ़ा रहे हैं यहां पे, कि आप एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला के साथ शादी विवाह का संबंध कैसे सेट करेंगे, कैसे पैचअप यहां पे कराएंगे। हम लोग इसमें एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला में क्या मामला चल रहा है, क्या सेटिंग चल रहा है, इस सेटिंग के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एक क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, आपको त्रिकोणमिति में कौन से फॉर्मूला कब अप्लाई करना है पता नहीं चलता है, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला तो बहुत सारा है, उसके ट्रिक के साथ और कहानी के साथ जबरदस्त तरीके से समझिए। यहां देखिए, अगर मे भी यहां पर पहले आप देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां पर हम क्या किए हैं, लाइन से छह नाम लिख रहे हैं, बस तीन को उठा के सामने रख दिए हैं, साइन कॉस टेन था ही, ये तीनों को लाइन से उठा के रख दिए हैं यहाँ पे, और बीच में मल्टीप्लाई लगा दिए हैं, फॉर्मूला हो गया वन। यहाँ पे आपका एक ठो तैयार हो गया ग्रुप, ठीक है, ग्रुप नंबर वन में ये तीन ठो आता है, एक दो तीन चार पांच छह नाम इसमें भी है, छह नाम को ही सजा दिया गया है। इसमें भी दो नंबर ग्रुप में छह नाम आता है, और ये सब वही नाम है लेकिन इसको भी कुछ अलग तरीके से सजा दिए हैं, यानी दो ग्रुप पर ही पूरा त्रिकोणमिति खत्म हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। यहां मल्टीप्लाई वाला आप समझ गए, ऐड वाला समझिएगा, ऐड वाला में एक प्लस होता है और दोनों क्या होता है माइनस होता है। यहां मामला को सेट करना, इसका ट्रिक बताए थे, मामला को क्या कर दो, सेट कर दो, तो जब सेट कीजिएगा तो से हो जाएगा सेक और टी से हो जाएगा टेन, ठीक है। और दूसरे ग्रुप में ना ये स्क्वायर ग्रुप है, इसका हम लोग क्या नाम रख सकते हैं, स्क्वायर ग्रुप, क्योंकि सब में क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो सेट में सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर, दो में माइनस है एक में प्लस है, देखिए साइन और कॉस ये दो को जब जोड़िएगा स्क्वायर ग्रुप में स्क्वायर करके तो क्या हो जाता है, यहां पे हो जाता है फॉर्मूला में क्या, वन हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी मामला को सेट करना है, और ये कॉसेक और कॉट हो जाएगा, सेक को कॉसेक में बदलिए क्योंकि इसमें भी सेक है और इसमें भी सेक है, और टेन को टेन में बदलिए, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है, तो कॉट में बदल जाएगा। अब हमको रिलेशन जोड़ना है, देखिए ये और ये इन दोनों में बहुत गहरा रिलेशन है, ठीक है, ये चाहे तो इसमें अपना शादी विवाह बढ़िया से कर सकता है। देखिए क्वेश्चन में कैसे नाता रिश्ता, आप लोग मेडिएटर समझते होंगे, यानी अगुआ, एक तरह से बिहार में देखा जाए तो अगुआ बोला जाता है जो शादी विवाह को लगाता है। अगुआ का काम क्या होता है, अगुआ लड़का वाला को भी जानता है और लड़की वाला को भी जानता है। वो सबसे पहले लड़का वाला के यहां जाएगा, कहेगा कि तुम्हारा सेटिंग इस लड़की से हम करा रहे हैं, उसके घर जाएगा। अब बाद में क्या होगा, ये लड़का लड़की में शादी हो जाता है, अगुआ का कहानी खत्म हो जाता है। यही तो इसमें करना है और कुछ नहीं करना है। साइन थीटा को यहां पर देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन थीटा को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी जो साइन थीटा है ना इसको किस में बदल देना है, कॉट में बदल देना है, साइन का विवाह किससे करा देना है, कॉट से करा देना है, और इसमें बीच में अगुआ कौन रहेंगे जो ये दोनों को मिलाएंगे, ध्यान से समझिएगा, साइन को कॉट में बदलना है, इसमें एक बार देखना है, ध्यान से देखिए, और एक बार इस ग्रुप में देखना है। बताइए इसमें कहीं साइन दिख रहा है आपको, साइन इफ फर्स्ट में दिख रहा है, बताइए साइन किसके साथ है, कॉसेक के साथ है, ठीक है, यानी साइन किसको जानता है, कॉसेक को जानता है, साइन जानता है किसको, कॉसेक को जानता है। अब ये मामला है कि क्या कॉसेक कॉट को जानता है, कहीं देखिए तो दूसरे ग्रुप में देखिए, यहां पे कॉसेक एक बार किसके साथ है, कॉट के साथ है, हो गया, यानी कि ये जो कॉसेक है ना ये कॉट के साथ भी है और किसके साथ है, साइन के साथ भी है, यानी कि यही एक बंदा है, ठीक है, कॉसेक जो साइन को भी जानता है, एक बार साइन के साथ भी है और एक बार कॉट के साथ भी है, यानी कि ये कॉसेक इन दोनों का रिलेशन बना सकता है क्योंकि ये दोनों से जान पहचान है। देखिए इस ग्रुप में एक बार साइन के साथ भी है और एक बार कॉट के साथ भी है, तो सबसे पहले आप साइन को बदल दीजिए कॉसेक में और फिर कॉसेक को बदल दीजिए कॉट में, तो यही होता है क्वेश्चन पूछेगा, साइन को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए, तो आपको साइन देखना है कहां है और उसका रिलेशन किससे है। बीच में अगुआ का काम करेगा, साइन कहेगा कौसे, कहेगा साइन से हम तो तुमको जानते हैं, हम एक और मेरा दोस्त है, कौसे के साथ कौन है, कॉट है, उसको भी जानते हैं, दोनों में पैचअप करा के बेचारा फिर से निकल जाएगा। तो देखिए पहले साइन को बदलते हैं किसमें, कौसेक में, तो साइन को कौसेक में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, वन बटा कौसेक थीटा हो गया। अब कौसेक को किसमें बदल दें, कॉट में बदल दें, तो ये वन का वन लिख देना है और कौसेक यहां से कौसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहां देखिए तो यहां हम लिख रहे हैं
यही फॉर्मूला है आपका, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एक काम करते हैं कोसेक थीटा निकालते हैं, ये प्लस में है उधर जाएगा तो ये रफ में आपको कर लेना है, ठीक है। माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ हमको खाली चाहिए कोसेक, उसके लिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, और सी ओ एस ई सी कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कोसेक थीटा के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो वन हो गया, और कोसेक की जगह लिखना है अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बताइए हम कहाँ से चले थे, साइन से, और साइन को किस में बदल दिए, कॉट में। कैसे बदल दिए, आखिर देखिए ये मायने नहीं रखता है कि कॉट ही आंसर है, ये ऐसा कुछ नहीं है, बस इसमें कॉट दिख जाना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि साइन को कॉट के टर्म में ला दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि साइन किसके रूप में दिखने लगे, कहीं ना कहीं साइन वाले फॉर्मूला में कॉट दिखने लगे। तो हम क्या किए, पहले साइन को बदल दिए कोसेक में, यानी साइन, ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा कि नहीं, तो एक बटा आखिरकार क्या होगा, कोसेक ही होगा, ठीक है। तो साइन को बदल दिए कोसेक में, और कोसेक को बदल दिए किस में, देखिए फॉर्मूला, कोसेक को बदल दिए कॉट में, क्योंकि ये दोनों साथ में है, तो इधर भेज दिए तो कोसेक बराबर हो गया अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आया होगा, हमको बदलना था साइन को कॉट में, और हमने क्या किया, देखे कि ऐसा कोई इसमें छे के छे नाम में कोई ऐसा कोई दिख रहा है जो दोनों को जानता हो, तो हमको दिख गया कौन, कोसेक दिख गया, कोसेक जो साइन के साथ भी एक बार समय गुजारा है, और कोसेक जो कॉट के साथ भी गुजरा है, यानी दोनों के बारे में ये जानता है, इसीलिए पहले साइन को हमने बदल दिया कोसेक में, तो साइन थीटा बराबर वन बाई कोसेक थीटा, और फिर कोसेक को बदल दिया किस में, कॉट में, इसी के जगह पे ये फॉर्मूला यहाँ पे बना दिए आपको, कर दिए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, साइन को कॉट में बदलिए, साइन को सेक में बदलिए। अब अगर क्वेश्चन आ जाए साइन थीटा को सेक थीटा में बदलिए, तब तो मामला फंस जाएगा ना, कि कोशिश कीजिए कि साइन थीटा किस रूप में दिखने लगे, सेक में दिखने लगे। तो क्या कीजिएगा, इसमें एक बार इसमें देखिए, साइन और सेक क्या कीजिएगा, पहले एक काम कीजिए, साइन को आप बदलिएगा किसमें, अगर साइन को बदलना हो तो साइन आप इसमें देखिए, साइन को बदलना है ग्रुप नंबर सेकंड में, देखिए साइन को बदल दीजिए, साइन और कॉस एक साथ है तो साइन को बदल दीजिए कॉस में, और कॉस और सेक एक साथ है तो कॉस को सेक में बदल दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि साइन कॉस यहाँ पे, और एक बार इस ग्रुप में देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन कॉस के साथ है और इसमें कॉस सेक के साथ है। बताइए ये दोनों का रिलेशन कराना है, साइन को सेक में बदलना है, तो इसके बीच में कौन आ रहा है, कॉस अगुआ आ रहा है, कॉस इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो सबसे पहले साइन को कॉस में बदलना है, तो साइन थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको हमने साइन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है, अब ये उतार दीजिए, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर ये निकालना होगा, तो इसको अकेले छाटना पड़ेगा, तो इसको बट्टा में भेजिए, तो ये हो जाएगा वन बट्टा सेक थीटा हो जाएगा, वन बट्टा सेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया आंसर इसका। कैसे चेंज किए हम, साइन को बदल दिए कॉस में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा। अब ये मायने नहीं रखता है कि यहाँ पे सॉल्व करना है कि नहीं, बस इसमें क्या दिख जाना चाहिए, सेक दिख जाना चाहिए, आपका आंसर हो गया। अब कॉस हो गया, कॉस का फॉर्मूला वन बट्टा सेक होता है, स्क्वायर था तो इसमें भी स्क्वायर डाल दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेसिक फंडा समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे हम लोग एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज को बनाएंगे, एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही मजेदार तरीका से, तो बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का यहाँ फॉर्मूला आपको नोट कर दिए, दो ग्रुप में फॉर्मूला है, इसमें भी ये क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः नाम है, और सेम टू सेम वही नाम इसमें है, बस कहीं कहीं है, सजा देने की क्रिया को इसमें फॉर्मूला कहते हैं। अगर ये गुण मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या कहते हैं, इसे फॉर्मूला करते हैं, मतलब कि ये टोटल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और याद करने का तो आसान तरीका आपको बताएं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ जाके प्लेलिस्ट खोलिए, और पूरा का पूरा उसमें देखिए एक से एक काल अलग अलग तरीका का जबरदस्त ट्रिक आपके पास मिलेगा, त्रिकोणमिति की प्रेम कहानी भी आपको मिलेगी, तो जाके जरूर देखिए इसको। यहां क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक जो रेशियो में, इसको तो खैर रेशियो में होता ही है, साइन ए कॉस ए और टेन ए, ये तीन नाम आया, तीनों को किसमें बदल देना है, कॉट ए में, यानी तीनों का संबंध कॉट में बदल देना है, यानी तीनों का शादी विवाह इससे करा देना है, एक एक करके समझिएगा। साइन ए,
सेक ए और टेन ए, एक और थीटा समझ लीजिए एंगल है, ये तीनों को किस में बदलना है, तीनों को बदलना है कॉट ए में। तो सबसे पहले साइन को कॉट में बदलिएगा, ठीक है, आपको हम बता भी चुके हैं, अभी बताया भी थे कि साइन कॉट में कैसे बदलेगा। यहां देखिए एक बार इसमें देखिए, तो साइन थीटा है, साइन को किसे बदलना है कॉट में, तो साइन को बदल दीजिए कॉसेक में, ठीक है, आ कॉसेक वाला किसके साथ है, कॉट के साथ है, तो कॉसेक को किसमें बदल दीजिएगा, कॉट में बदल दीजिएगा। समझ में अगुवाई कैसे होगा, देखिए ऐसा चीज ढूंढिए, ठीक है, इस पूरे का पूरा तीन दो ग्रुप फॉर्मूला है, ग्रुप नंबर एक और ग्रुप नंबर आपका दो, ये दोनों ग्रुप में ढूंढना है कि ऐसा कोई इसमें छह नाम मिल जाए जो साइन को भी जानता हो और कॉस को भी। बताइए शादी विवाह में यही नाम लोग करते हैं, क्या होता है, अगुआ ऐसा रहता है जो किसको जानता है, लड़का वाले पार्टी को भी जानता है और लड़की वाले पार्टी को भी जानता है। तो मान लीजिए कि ये वाला एक तरह साइन को अभी बदल रहा है, साइन को बदलना है कॉट में, तो कोई ऐसा अगुआ ढूंढिए जो साइन को भी जानता हो और कॉट को भी जानता हो, ठीक है, यानी बताइए इसमें कहीं दिख रहा है कोई ऐसा चीज जो साइन के साथ भी हो और वही चीज कॉट के साथ भी हो, ठीक है, तो साइन के साथ कॉसेक है और कॉट के साथ भी कॉसेक, यानी कॉस एक कॉसेक जो है, ठीक है, कॉसेक थीटा, वो एक ऐसा अगुआ है जो दोनों को जानता है। तो जब दोनों को जानता है तो आराम से रिलेशन बन जाएगा इन लोगों में, कैसे, तो सबसे पहले साइन थीटा को किसमें बदल दीजिए, कॉसेक में बदल दीजिए, किसमें बदल दीजिए, कॉसेक में बदल दीजिए। तो बताइए ये फॉर्मूला तो आपका ये है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है, अब बताइए सी ओ एस ई सी ये हो जाएगा। अभी यहाँ ए लिखा है, हम यहाँ थीटा लिख रहे हैं, घबराना नहीं है, आप यहाँ ए लिख सकते हैं, ठीक है, साइन थीटा को पहले हम कॉसेक में बदलते हैं, तो बताइए जिसका वैल्यू निकाला जाता है उसको अलग रखिए, तो ये आ जाएगा बट्टा में, गुणा है इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टा कॉसेक थीटा, तो इसके जगह पे लिख दीजिए, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है वन बट्टा कॉसेक थीटा, ठीक है। अब तो यहां से हम लोग यहां आ गए, अब कॉसेक को बदल दीजिए कॉट में, कॉसेक किस में बदल सकता है, कॉट में, क्योंकि ये दोनों एक बार साथ रहा है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, तो यहां से जब कॉसेक निकलेगा आपको लाना है कॉट, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहां बचेगा अकेले कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, वन का वन लिख दीजिए और कॉसेक के जगह पर क्या लिख दीजिएगा, ये वाला लिख दीजिए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप बताइए कि साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा तीनों को किसमें बदलना है, कॉट में बदलना है, तो साइन था तो हम कॉसेक कर दिया, कॉसेक कहाँ चला गया, कॉट में बदल दिए, तो अब बताइए ये बीच में अगुआ का काम किया और साइन कॉट के रूप में दिखने लगा कि नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनी हाउस साइन को सॉल्व करके और किसमें बदल देना है, कॉट में बदल देना है, तो देखिए यहाँ साइन को सॉल्व किए तो ये वाला आया और इसको सॉल्व किए तो कॉट है, आखिरकार साइन कॉट के रूप में दिखने लगा कि नहीं, तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखिए अब किसको बदलना है, किसमें, ध्यान से समझिएगा, साइन तो मैंने कॉट में बदल दिया, अब सेक को बदलिए कॉट में, सेक ए को बदलना है किसमें, कॉट ए में। आते हैं कोई ऐसा अगुआ ढूंढते हैं जो सेक को भी जानता है और कॉट को भी जानता है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेक को बदलना है हमको किसमें, कॉट में, उसके लिए यहां देखिए सेक और टेन एक बार साथ में है, ठीक है, और यहां देखिए टेन और सेक साथ में है ना, तो टेन और सेक इसका मतलब कि टेन जो है सेक को जानता है, एक बार साथ में रहा है, और टेन यहां किसको जानता है, कॉट को भी जानता है। अब बताइए हम लोगों को रिलेशन किससे जोड़ना है, इस सेक को इस कॉट के साथ जोड़ना है, लेकिन बताइए ये दोनों के साथ टेन है कि नहीं, यानी कि दोनों को हेल्प करेगा मिलाने में कौन, टेन करेगा, इसमें भी टेन है और इसमें भी टेन है, अब बदलना है इन दोनों को, तो एक काम करते हैं सबसे पहले सेक को हम किसमें बदलते हैं, टेन में, टेन जब आ जाएगा तो टेन को बदल देंगे कॉट में, वही आ जाएगा, तो सेक थीटा बराबर होता है टेन के टर्म में लिखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां से सेक निकाल के देख लीजिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेक को मैंने किसमें बदल दिया, टेन में, और टेन को बदल दो कॉट में, तो यहां देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये बट्टा में आ जाएगा, तो वन बट्टा कॉट थीटा हो जाएगा, टेन वन प्लस वन बट्टा कॉट थीटा, यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका हो गया आंसर, सेक कॉट में आ गया कि नहीं, सेक से चले, ठीक है, तो सेक को बदल दिया टेन में, टेन को बदल दिया कॉट में, आपका बस दिख जाना चाहिए कि सेक किस में आ गया,
कोर्ट में आ गया और वही चीज यहाँ पे हो गया, किसी तरह कोर्ट आ गया कि नहीं, तो ऐसे ही आपका ये बनता है। अब लास्ट में बच गया टेन को कोर्ट में बदलना है, टेन थीटा लिख दिए हैं, थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, टेन को बदल दीजिए कोर्ट में। तो कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए टेन का जो कोर्ट के रूप में बदल सकता है, तो कहीं बताओ टेन कोर्ट के साथ है तो डायरेक्ट ए दिख रहा है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो जब टेन थीटा पूछेगा टेन ए बराबर, तो ये गुणा में एने आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बटा कॉट ए चाहे वन बटा कॉट थीटा, तो ये डायरेक्ट हो गया वन बटा कॉट थीटा। बताइए टेन कॉट में ही बदल गया, सेक भी किसमें बदल गया, कॉट में बदल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये आ गया तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपका पांच नंबर में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है वो इसी बेस पर बनता है, और इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जबरदस्त लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कहां पे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को, क्योंकि ये बेसिक था, उसके साथ एक क्वेश्चन भी बता दिया और एग्जाम्पल बता दी, ठीक है। हम लोग इस सेशन को धुआंधार तरीका से, जबरदस्त तरीका से कंप्लीट करेंगे, और ये गारंटी है, मेरा दावा है कि 95 के नीचे तो आपका आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज का ट्रिक होता है। देखिए दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिस ट्रिक से याद नहीं किया जा सकता है, बस आपको मन लगा के पढ़ाई करना है, फोकस ऑन योर गोल्स, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।